जदयू के इस बड़े नेता का सपना हुआ चकनाचूर, जिसने महागठबंधन की सरकार बनाने में की थी मदद, अब वो ही मंत्रिमंडल से रहेंगे दूर। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। जदयू के एक बड़े नेता का सपना चकनाचूर हो गया है। महागठबंधन की सरकार बनाने में जिनकी थी मुख्य भूमिका, अब वे ही नहीं बन पाएंगे मंत्री। दरअसल खबर ये है कि जदयू के बड़े नेता, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल में अब मंत्री नहीं बन पाएंगे, जबकि अब से ठीक 24 घंटे पहले उनके नाम की खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि सत्ता से दूर रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा कई बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर धरना दिए हैं। बिहार पुलिस की लाठियां भी खाई है, शिक्षा सुधार आंदोलन भी चलाए थे। ऐसे में चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री क्यों नहीं बन रहे, जबकि ऐसा माना जाता है कि महागठबंधन की सरकार बनाने में, यानी कि लालू और नीतीश को एक साथ लाने में उपेंद्र कुशवाहा की मुख्य भूमिका है। इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री नहीं बनने की खबर हैरान करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है और उनकी बिहार वापसी 19 अगस्त को है, जबकि बिहार में 16 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बिहार से बाहर जाना अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा है। हालांकि ये ट्विटर पर खूब एक्टिव है, बीजेपी को ताबड़तोड़ सुना भी रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार से बाहर है? आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा? तो चलिए आपको एक राज की बात बताते चलते हैं। दरअसल 12 अगस्त की रात को पटना के सबसे बड़े होटल मौर्या होटल में कुशवाहा नेताओं की एक बैठक हुई। ये सभी कुशवाहा नेता जदयू के ही थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कई कुशवाहा सांसद भी शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैठक में जदयू प्रदेश कार्य समिति के एक बहुत बड़े नेता भी मौजूद थे। ये बैठक रात के 11 बजे तक चली और अंततः इस बैठक में ये तय किया गया कि कुशवाहा जाति से नीतीश कुमार जिन्हें मंत्री बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री न बनाए। अभी सवाल उठता है कि आखिर इतनी सरगर्मी क्यों? आखिर कुशवाहा समाज के नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा के प्रति इतनी नाराजगी क्यों? या यूं कहें तो उपेंद्र कुशवाहा से उनके ही जाति के नेताओं को इतनी चिढ़ क्यों है? आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा एक स्थापित नेता है, कुशवाहा जाति पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। लेकिन मौर्या होटल में रात के 11 बजे तक चले बैठक के बाद लगभग ये तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दे दी गई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा अब अगला कदम क्या उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहे बिहार इंसॉर्ट्स के साथ। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद।